हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, और वो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो पहले जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन क्या है ये जानेंगे। मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखो और थोड़ा समझो ये लॉज ऑफ मोशन है क्या चीज़। ओके, तो चैप्टर का नाम तो है लॉज ऑफ मोशन। मतलब ये जो मोशन है, ये मोशन का लॉ हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर में। बेसिकली हम लोग ये जो मोशन है, मोशन का कारण को समझेंगे, कैसे मोशन हो रहा है इसको समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तुम लोगों को पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये रहा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल करके एक बॉल को थ्रो किया, तो इस तरह का एक पाथ इस मोशन का हुआ। ये तो बड़े ही आसान तरीके से तुम लोग बोल सकते हो कि v cos थीटा के लिए ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और v sin थीटा के लिए ये अपवर्ड उठ रहा है। ओके, बट अगर यहाँ पे तुम लोगों को ये पूछा जाए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये मैक्सिमम हाइट में रुक क्यों रहा है, ये अर्थ को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है, देन तुम लोग एक आंसर दोगे। वो आंसर क्या है? हाँ, एकदम सही, ग्रेविटेशन के लिए। अब अगर ये क्वेश्चन किया जाए, ये ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशन है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। सिर्फ अर्थ के नहीं, ये जो ग्रेविटेशन है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिन दोनों का मास है, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है और अर्थ के साथ इस ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी अट्रैक्शन फोर्स ने ये जो वी साइन थीटा है, इसका वैल्यू को ग्रेजुअली डिक्रीज किया और मैक्सिमम हाइट में इसको ज़ीरो करवा दिया, वर्टिकल कंपोनेंट को ज़ीरो करवा दिया। ओके, और उसके बाद इसी ग्रेविटेशन फोर्स ने इसको अगेन एक्सेलरेट करवाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसको नीचे लेके आया। मतलब यहाँ पे जो ये जो मोशन है ना, इस मोशन का जो कॉज है वो एक फोर्स है, वो एक फोर्स है। तो हमें इस फोर्स को जानना पड़ेगा। इस फोर्स को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा फोर्स क्या है, फोर्स कौन सा क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड हम कैसे समझे कि कोई पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोग यही समझेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, एंड ये जो लॉज ऑफ मोशन है, इस लॉज ऑफ मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है न्यूटन्स लॉज। न्यूटन, सर आइज़क न्यूटन ने तीन लॉज दिए और ये तीन लॉ हमें इस फोर्स को जानने के लिए बहुत हेल्प करेगा। फोर्स को जानने के लिए ये तीन लॉ को समझना पड़ेगा
और कुछ क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ है, उस फर्स्ट लॉ को। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है? मान के चलो ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं दिया तो ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा। मतलब क्या? मतलब है ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ये अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब तुम लोग थोड़ा सोचो, रेस्ट और मोशन दोनों ही तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है अगर कोई भी फ्रेम में, कोई भी रेफरेंस फ्रेम में इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम द बॉडी इज मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अदरवाइज इट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ओके, सो अगर हम इसको फोर्स दे एक्सटर्नली तभी ये मूव करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। कौन सा स्टेट चेंज करेगा? यहाँ पे दोनों इम्पोर्टेंट स्टेट है, एक है मोशन स्टेट, एक है रेस्ट, और ये दोनों ही रिलेटिव है। कोई भी रेफरेंस फ्रेम में इस मोशन को रेस्ट करने के लिए और ये रेस्ट को मोशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स। ओके, हमें चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बोला गया है एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट इट्स ओन कंडीशन ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लो, उस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के लिए वो ऑब्जेक्ट ट्राई टू स्टे ऑलवेज इन मोशन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अदरवाइज ट्राई टू स्टे इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ओके, तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं अभी बोला। क्या था वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी था द प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स ओन कंडीशन ऑफ मोशन और रेस्ट। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया दो तरह का होता है, एक मोशन के लिए मोशन इनर्शिया, ओके, एक मोशन के लिए है मोशन इनर्शिया, और एक रेस्ट के लिए है रेस्ट इनर्शिया। ये मोशन इनर्शिया क्या है? मोशन इनर्शिया है द प्रॉपर्टी टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ मोशन, इज कॉल्ड मोशन इनर्शिया, एंड रेस्ट इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, इज कॉल्ड रेस्ट इनर्शिया। नाउ फ्रॉम दिस फर्स्ट लॉ वी गेट एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो इफ आई आस्क दैट व्हाट इज फोर्स, ओके, देन इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ अस दैट फोर्स इज ए क्वांटिटी। इफ इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन देर इज ए चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब क्या है? मतलब है कोई भी बॉडी का मोशन और रेस्ट जो स्टेट है, इस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जो चाहिए वो ही है फोर्स। मतलब वी गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो
वी गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ओके, सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक्चुअली एक ऑब्स्ट्रक्शन है. ओके, एंड टू ओवरकम दिस वी नीड फोर्स. ओके, मोशन को रेस्ट करने के लिए और रेस्ट को मोशन करने के लिए हमें जो चाहिए वही है फोर्स. मतलब वी गेट द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई मेजर दिस फोर्स. ओके, और इसका जो आंसर है, इसका आंसर के लिए हमें जाना पड़ेगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ में. चलो अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ में एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है. नया क्वांटिटी क्या है? नया क्वांटिटी जो है वो है मोमेंटम. ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. एंड दिस मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड एज पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब ए क्वांटिटी मेड ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. अब ये मोमेंटम हमें क्या दे रहा है? देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी, ओके, वी कंसिडर हेयर ए इज अ बॉडी एंड ए फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस डिरेक्शन देन ए प्रॉपर्टी ए क्वान्टिटी इज चेंज्ड अलोंग दिस डिरेक्शन एंड दिस क्वान्टिटी इज मोमेंटम. मतलब वी गेट ए चेंज ऑफ मोमेंटम when a force is applied on this body. Okay? क्या मतलब है इसका? अगर कोई फोर्स अगर एक्ट करेगा किसी भी बॉडी में, किसी भी पार्टिकल में, देन एक क्वांटिटी चेंज होगा. वो कौन सा क्वांटिटी है? वो है मोमेंटम. मतलब मोमेंटम अगर चेंज हुआ है, देन वी कैन श्योर अबाउट इट, वी कैन बी श्योर दैट ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी. अब मोमेंटम चेंज कैसे हो सकता है इसको देखना पड़ेगा. मोमेंटम चेंज कैसे हो सकता है? मास अगर चेंज हो तो मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी अगर चेंज हो तो मोमेंटम चेंज होगा. मतलब कोई भी बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स आएगा, ये हम कैसे माने? वेलोसिटी चेंज होगा तो हम मान लेंगे ये फोर्स एक्ट कर रहा है. अगर इसका मास चेंज हो रहा है फिर भी हम मान लेंगे कि फोर्स एक्ट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी डी टी. मतलब क्या है? मतलब है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, इफ वी अप्लाई दिस p इज इक्वल टू एम वी इन दिस इक्वेशन, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट f इज इक्वल टू m डी वी डी टी प्लस v इंटू डी एम डी टी. वॉट डज इट मीन? दिस मीन्स वेलोसिटी चेंज दिस गिव्स ए फोर्स एंड वेलोसिटी इंटू मास चेंज दिस ऑल्सो गिव्स ए फोर्स. ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट इफ ए पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड बाई एनी एक्सटर्नल एजेंट, देन वी कैन कंक्लूड दैट द एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइज ए फोर्स ऑन द पार्टिकल. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इफ the mass of the mass of the body is changing with time with and the particle is moving,
then we can conclude that the force is acting on it. Example, rocket. Rocket का mass gradually change हो रहा है, so उसमें force ज़रूर act करेगा. Okay? तो ये रहा हमारा Newton's law, ये रहा उसको थोड़ा explain करके. अब अगर ये मान के चले कि mass constant है, ये तब होगा जब वेरिएबल मास होगा. ओके, वेरिएबल मास. अगर ये मान के चले मास कांस्टेंट है, देन dm dt क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा. तब फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m इनटू dv dt. ओके, एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट m इनटू a वेक्टर. सो f इज इक्वल टू ma इज ए आउटकम ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. याद रखना, ये आउटकम है. एक कब, एक स्पेशल केस है, जब मास कांस्टेंट होगा तभी एफ इजिकल टू एम ए लिख सकते हैं. अगर मास कांस्टेंट नहीं है देन एफ इजिकल टू एम डी वी डी टी प्लस वी इंटू डी एम डी टी. डी वी डी टी का मतलब ए है. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू एम ए प्लस वी इंटू डी एम डी टी. ओके, तो ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ. अब ये जो सेकेंड लॉ है इसको थोड़ा और भी हम इलाबोरेट कर सकते हैं. कैसे? फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन राइट दैट एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी. अगर इंटीग्रेट कर दे यहाँ पे टी वन से टी टू तक, देन व्हाट विल गेट चेंज ऑफ मोमेंटम. सो एफ एंड टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमें क्या देगा? चेंज ऑफ मोमेंटम देगा. एंड दिस एफ इंटू डी टी इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स ऑफ फोर्स. मतलब इम्पल्स ऑफ फोर्स इज एक्चुअली चेंज ऑफ मोमेंटम. एंड वी ऑल्सो कैन कंक्लूड दैट द एरिया ऑफ एफ वर्सेस टी ग्राफ इज चेंज ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स ऑफ फोर्स. इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. नाउ another important law is there, that is third law of Newton. So third law of Newton, what is third law of Newton? Third law of Newton is, if we consider two bodies, okay, this is one, this is two, and if this body one applies a force F on two, which is represented as force on two by one, F21, then according to Newton's third law, this body two will also apply a force on this one, which is represented as F1 by two. Okay, and these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. If this is called action, this is called reaction. Both into different bodies. Okay? ये कभी भी एक ही सिस्टम में नहीं रह पाएगा. Okay? On different bodies में रहेगा, एक ही सिस्टम में नहीं रहेगा, और action is equal to reaction होगा. यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसको हम बड़ी डिटेल्स में समझेंगे हमारा जो वीडियो आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर, उसमें हम बड़ी डिटेल्स में समझेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे मैंने न्यूटन्स लॉज का इंट्रोड्यूस किया तुम लोगों के साथ, और आई थिंक तुम लोगों को ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या होने वाला है इसका आइडिया थोड़ा सा आ चुका है. क्या होने वाला है? फोर्स कैलकुलेट करना होगा, मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करना होगा, जो क्वांटिटीज़ का मैंने नाम लिया इम्पल्स ऑफ फोर्स. ओके,
इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स है, इन सब को कैलकुलेट करना पड़ेगा और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हम जानेंगे ओके इन दिस चैप्टर. सो इट्स विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.